हाय एवरीवन, मुझे जन आपण मानको बिना पानी शिक्षा केंद्र को स्वागत करुच्छी। तो आम आज देखा क्लास 9 रो फास्ट चैप्टर इंग्लिश रो कौन प्राइसलेस गिफ्ट। तो प्राइसलेस गिफ्ट, प्राइसलेस कहले कौन मैम? समथिंग व्हिच हैज ग्रेट वैल्यू बा जार मूल्य बहुत बा मूल्य तुलना करहब नहीं। आ गिफ्ट कहले तो समस्ते जानिछ गिफ्ट कहले कौन? उपहार। तो देख ये बहुत सारा आम कौन अच्छी गिफ्ट अच्छी। तो आम आज देखा द प्राइसलेस गिफ्ट। डू यू लाइक टू ऑफर सम गिफ्ट टू समबडी ऑन हिज और हर बर्थडे वेडिंग और सम स्पेशल ओकेजन। अच्छा तुम देख कह पाने को मैंने गिफ्ट आम जो गिफ्ट कौट दिखती ना म्यारेज म्यारेज हो कार बर्थडे हो कि स्पेशल ओकेजन से क्षेत्र में आम सब गिफ्ट दिखती। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वुड यू लाइक टू गिव? तो तुम मैंने को जिन सब देवा भल पाओ सब कमेंट जन। डिस्कस अबाउट इट विथ योर क्लासमेट। व्हाई डज ए स्मॉल गिफ्ट बिकम सो वैल्युएबल? तुम तुम क्लासमेट मान सहित डिस्कस कर कौन पर गोटे छोट गिफ्टे एत वैल्युएबल। एक्चुअली गिफ्टर मूल्य जड़े मानने पैसा के गिफ्टर वैल्यू को कलना करा जाए ना। नेक्स्ट देखिया व्हाट डू यू सी व्हेन यू एंटर ए रेस्टोरेंट? अच्छा देखिया एटा देखु गोटे रेस्टोरेंट देखु ना एटा गोटे कौन एटा गोटे कौन ना रेस्टोरेंट। अच्छा तो ये रेस्टोरेंट रे कौन देखियो गले भितरू ना लोक माने खाउथार हे ओबियसली देखिया कौन देखिया लोक माने खाउथार देखिया। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी द प्राइसलेस गिफ्ट हियर। प्राइसलेस मीन समथिंग व्हिच हैज ए हाई वैल्यू। प्राइसलेस मीन से क्षेत्र कौन प्राइसलेस मीन व्हिच हैज ए हाई वैल्यू। Priceless means which has a high value because it is rare. कौन पाई priceless means high value ना एटा होचे rare। rare रो मीनिंग हला हमरो ओडिया रे कोन विरल। अच्छा तो एबे ई जो priceless gift तो priceless हो हमें जान ले जे माने priceless कहले which has a high value बा हुई चाहे ग्रेट वैल्यू और गिफ्ट कहले उपहार। ताने इभलिया गोटे उपहार जार कि मूल्य बहुत प्राइसलेस गिफ्ट कहले कौन इभलिया गोटे उपहार जार कि मूल्य तुलना करा जाई परिबो नहीं। तो कौन पाई गोटे आम तो नॉर्मली जानी जानते जे गोटे गिफ्ट माने किसी तो गोटे माने गोटे लोक हाँ चार पाँच दिन टाइम दे कि बनी थी कि दस दिन टाइम दे कि बनी थी निजे बनी थी सीटा गोटे लेबर बा किणी कौट गोटे आनी। तो एक क्षेत्र में मान गिफ्टा मानने अनभाल्युएबल अमूल्य कौन पाई अमूल्य? तो से निहत भाव स्टोरीटा इंटरेस्टिंग हो तो गोटे बढ़िया स्टोरी। तो चलतु आ स्किप न मानने डेरी न करी आपण मैंने स्किप न करी भिडियो लास्ट पर्यटन देखूँ निहत भाव बहुत मजा आस चलतु स्टार्ट कराया। तो देखो आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इट वाज लंच टाइम। अच्छा ये आई लेखागला मैंने तो ये निहाती भाव में आम रईटर ही कौन तो ये कौन किए स्टोरी टी ये लिखी आम रईटर रईटर न्यारेटर कह जाए। तो ये राइटर निजे कौन आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अच्छा वेजिटेरियन कहले समस्ते जान वेजिटेरियन कहले कौन दोज हु ईट ओनली वेजिटेबल बा दोज हु डोंट ईट नॉन वेजिटेबल बा नॉन वेजिटेरियन जो माने नहीं से माने ही वेजिटेरियन बा जो माने वेजिटेबल खाते से माने वेजिटेरियन। तो आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो ये राइटर कौन से गोटे बा राइटर कौन कहते मु गोटे
निरामिषाशी भोजनालय को गली। अच्छा वेंट तो तुम जान पास्ट फॉर्म सिंपल पास्ट आम टेन्स है कौन सिंपल पास्ट तो आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मीन्स मुझे निरामिषाशी भोजनालय को गली। इट वाज लंच टाइम यहाँ मध्यान भोजन समय था को टाइम थी ना मध्यान भोजन समय था। दे आर आर पीपल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सेठार लोक मैंने कौन करते खाऊ पीते खाए ओवरअल कौन लोक मैंने खाया पीवा करूँ। दि रेस्टोरेंट वाज भेरी क्राउडेड क्राउडेड मीन्स कौन क्राउडेड कहले कौन यहाँ वार्ड क्राउडेड क्राउडेड कहले गहली तो सेठारे कौन थिला ना बहुत गहली थिला। आई सॉ दैट सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स हैव बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर। अच्छा ये गोटे वार्ड देख पुश्ड अच्छी कौन अच्छी पुश्ड पुश्ड कहले कौन एक्चुअली सीटा पुश तार पास्ट फॉर्म है पुश्ड पीपी फॉर्म है पुश्ड पुश पुश पुश्ड पुश कहले कौन ठेलीबा देखियो सफ अप लिखाई थाए पुश काचर डोर जो लगी थाए पुश गोटे पटे लगी थाए पुल गोटे पटे लगी पुश आ गए लिखाई थो पुल तो पुश कहले ठेलीबा पुल कहले टाणीबा तो सीटी आम राइटर कहते आई सॉ दैट सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर। देखो हैड बीन जो पुश्ड अच्छी यहाँ आम पैसिव वॉइस आम से फ्यूचर में पढ़ा तो लेखक कहते सेठारे कि चेयर आउ टेबुल गोटे कण को ठेली हो जाइ थारो देखिले नेक्स्ट देख आई चोज दि कर्नर टेबुल। अच्छा ये वार्ड डी चोज चोज है कौन ये चूज र पास्ट फॉर्म सी एच एच ओ ए सी चूज सी एच ओ ए सी चोज चोजन हला तो यार पास्ट फॉर्म है चोज चूज कहले कौन ना चूज कहले आमर कौन बाछवा चूज सिनोनिम्स आम देखा भी सिनोनिम्स कहले कौन पिले ना सिनोनिम्स कहले आमर सम अर्थबोधक शब्द तो यार चूज सिनोनिम हो पार आमर सिलेक्ट गोटे हो पार आउ गोटे हो पार टेक गोटे हो पार आउ गोटे आमर हो पार पिक आउट कौन पिक आउट ये मध्ये तार गोटे सिनोनिम्स हो पार तो राइटर कह आई चोज दि कर्नर टेबुल मुझे कोण में थी टेबुल को बाछी सीटेड माइ सेल्फ एंड स्टार्टेड स्कीमिंग थ्रो दि न्यूज पेपर तो मुझे निजी बसिली तो ये राइटर कहते मुझे निजे बसिली एंड स्टार्टेड स्कीमिंग थ्रो दि न्यूज पेपर ये गोटे वार्ड स्कीमिंग अच्छी यहाँ तुम्हें न्यू वार्ड हो पाए तो स्कीमिंग रो मीनिंग है कौन रीडिंग थरोली रीडिंग रीडिंग थरोली अच्छा मैंने टिकी निखी करी पढ़िया आम ओडिया कौन टिकी निखी करी पढ़िया तो ये राइटर कहते एक कोण थी टेबुल को बासी तापर बसी पड़ी और खबर कागज को टिकी निखी करी पढ़ी। नेक्स्ट देख आट दैट मोमेंट आई नोटिस्ड अच्छा गोटे वार्ड आसा नोटिस्ड नोटिस्ड कहले कौन नोटिस्ड वार्डा नोटिस आसी तो नोटिस यार पास्ट फॉर्म है नोटिस्ड फॉर्म से सामान नोटिस्ड अच्छा तो नोटिस कहले कौन ना लक्ष्य करवा नोटिस कहले तो कौन लक्ष्य कला तो यार जब सिनोनिम्स भी तुम देख सिनोनिम्स यार है डिटेक्ट आउटला डिस्कवर आउटला ऑब्जर्व डिटेक्ट ऑब्जर्व हाँ ठीक है डिटेक्ट डिस्कवर आउ ऑब्जर्व ओडिया मीनिंग है लक्ष्य करिया तो से राइटर कहते आट दैट मोमेंट आई नोटिस्ड ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग आट मी से समय मु लक्ष्य कली जे गोटे गोटे छोट झीटे मत देखुअ मत चाहूबार से समय गोटे छोट झी मत चाहूबार मुझ लक्ष्य कले
इज दैट जेंटलमैन एन इंडियन? सॉरी आगे पढ़ी देख हर आईज आर लार्ज एंड दे हाड ए सैड एक्सप्रेशन तार आखि गुड़िक बड़ बड़ थिला एवं दे हाड ए सैड एक्सप्रेशन कहले कौन ना ता माने ता फेसटा दुखर अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन कहले आम ओडिया है अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन कहले कौन अभिव्यक्ति देख अभिव्यक्ति ता मुहर जो एक्सप्रेशन डा सेटा दुखर एक्सप्रेशन थिला आज सी वाज गोइंग आउट सी आस्क्ड द कैशियर इन ए लो वॉइस इज दैट जेंटलमैन एन इंडियन से जो बेले सी जो रेस्टोरेंट बाहर को गला बेले से कौन कला ना से जो बाहर को जाऊला से बेले कैशियर कैशियर कह जान कैश काउंटर जो मैंने पैसा रखा रखी करती से कौन कह जाए कैशियर तो कैशियर को से गला बेलू मैंने लो वॉइस रे मैंने धीरे करी पचारा कौन पचारा ना इज दैट जेंटलमैन एन इंडियन से भद्र व्यक्ति जनक भारतीय कि आई थिंक सो द कैशियर रिप्लाइड कैशियर कौन प्रत्युत्तर दे आई थिंक सो मुझे भावुच द गर्ल लुक्ड मी एट वन्स मोर एंड वेंट आउट से जोड़ी कौन कला आउ थरे मते देखिला एवं चली गला इट सरप्राइज मी सरप्राइज कहले कौन रे आश्चर्य सरप्राइज कहले कौन आमर आश्चर्य तो ये जो झीओटी तक विषय पचारा तक पुणी तो अनैला ये जिनसटी राइटर को कौन है आश्चर्य लगेगा तो सीटे सी कौन इट सरप्राइज मी यह मत आश्चर्य कला व्हाई व्हाट वाज द मैटर कहीं कथा कौन बा घटना कौन हर इंटरेस्ट इन मी आराउज माइ क्यूरियोसीटी इन हर गोटे वार्ड आसला आराउज आराउज को एक्चुअली आराउज रु आराउज कहले जाग्रत करवा आराउज 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 तार फर्म भी आराउज है तो आराउज कहले जाग्रत करवा आराउज कहले जाग्रत कला आमर क्यूरियोसीटी कहले कौन आमर क्यूरियोसिटी कहले कौतूहल बा जानिबार इच्छा क्यूरियोसिटी कौतूहल अर्थ भी जानिबार इच्छा तो ये कहते राइटर हर इंटरेस्ट इन मी आराउज माई क्यूरियोसिटी तो कौन है ना जो इंटरेस्ट कहले कौन आग्रह तो मो निकट तार जो आग्रहटा सेटा मो मनरे कौतूहल जाग्रत कला व्वेन आई हाड फिनिश्ड माई लंच आई आस्क दि वेटर डू यू नो दि गर्ल हु वाज सिटिंग आउट देयर तो राइटर कहते मुझे मोर मध्यान भोजन खाई सारि से वेटर को पचारि कौन पचारि डू यू नो दि गर्ल हु वाज सिटिंग आउट देयर तुम्हें से जो झीटी जो जीक बसी तुम्हें ताकू जाच कि बोली राइटर कौन कले ना आमर वेटर को पचारे राइटर क्या पचारे ना वेटर को पचार नेक्स्ट देख देख नो सार आई नोटिस सी हाज लंच हियर ऑन सैटरडे सी कम्स ऑन पेडे ओनली नो सार आई नोटिस आई नोटिस सी हाज लंच हियर ऑन सैटरडे सी वेटर कहते ना आज्ञा बा ना महाशय मुवल ये शनिवार दिन मध्यान भोजन करार देखे नर्माली सी शनिवार दिन ही कौन से खावाक आसे तो से शनिवार दिन ही देखे सी कम्स ऑन पेडे ओनली अर्थात जो वार्ड गोटे आसला कौन पेडे कौन पेडे पेडे कहले कौन पेडे कहले कौन दि डे ऑफ पेमेंट द डे ऑफ पेमेंट द डे ऑफ कौन पेमेंट मैंने जो दिन आमर सालारीटा आसे दरमाटा आसे से आमर कौन पे डे तो कौन सैटरडे पेमेंट मिलता तो सैटरडे कौन पे डे
Perhaps she does not earn much. बोध हुए से अधिक रोजगार करें से केवल जो दिन पेड़ से दिन ही आसे बोले ये वेटर आहला राइटर को कहला I was moved by what he said. कहले I was moved by what he said. तो ये कथा रे से जहाँ कहले कथा रे राइटर कौन है प्रभावित द क्यूरियोसिटी आई फेल्ट अबाउट द गर्ल परसिस्टेड जो कौतूहल से झील कथा भाविक मन में जग्रत होता सीटा कौन है बजाय रहा चालू रहा परसिस्टेड कहले कंटिन्यू टू एक्जिस्ट परसिस्टेड कहले कौन परसिस्टेड कहले आमर कंटिन्यू टू एक्जिस्ट बा चालू रहा तो से झी उपर जो कौतूहल जग्रत मनरे आलू रहा आहरी बढ़ला व्हाय हैड सी इन्क्वायर्ड अबाउट मी अच्छा गोटे वार्ड आसला इन्क्वायर इन्क्वायर कहले कौन ना वांटेड टू नो इन डिटेल से मो विषय कौन पाई से जानवाक चाहूला इन्क्वायर कह लिखि इन्क्वायर कहले वांटेड टू नो इन डिटेल वांटेड टू नो इन डिटेल अच्छा नेक्स्ट देख तो से कौन पाई मो विषय जानवाक चाहूला से मो मन आहरी कौतूहल जग्रत कला हु वाज दि मिस्टेरियस चाइल्ड मिस्टेरियस कहले पुणी गोटे नुआ आसला मिस्टेरियस कहले रहस्यमय बा विचित्र मिस्टेरियस कहले आम कौन विचित्र रहस्यमय अच्छा तो किए से जो झीटी तो जेहेतु जानी ना रहस्य गोटे अच्छी झील पचर तो सहीटा से कहते किए से रहस्यमय छुआटी किए I kept thinking of her poverty-stricken and sad anxious figure. अच्छा poverty-stricken कहले कौन ना poverty-stricken कहले आमर दारिद्र प्रपीड़ित अच्छा जो तुम देख बीपीएल गोटे बीपीएल किसी लोक गाँव में थाए तो बीपीएल कौन कौन बिलो पॉवर्टी एरिया दारिद्र्य सीमार का तले तो सीटा भी ये poverty-stricken कहले दारिद्र्य प्रपीड़ित बा बहुत गरीब तो ये राइटर कहते कौन ना से जो झीटर दारिद्र प्रपीड़ित दुखद चेहरा विषय मु चिंता करने को रागिल आंक्सीयस कहले कौन आंक्सीयस फिगर कहले ना माने अत्यंत व्याकुल बा अत्यंत चिंतित आंक्सीयस कहले कौन आंक्सीयस कहले अत्यंत व्याकुल बा अत्यंत चिंतित तो से जो झीटर जो माने माने दारिद्र्य पीड़ित से जो झीटर माने चिंतित चेहरा को भाविया को मु लगे कुड आई हेल्प हर इन एनी वे मु ताकु कोनोसी प्रकार रो साहाज्य करि परिबी कि बोली इठी राइटर चिंता कले द वीक पास्ट पुणी गोटे सप्ताह एमती बीतीगला सटरडे केम अगेन पुणी थे शनिवार आसला आई वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट मु सेई समान भोजनालय को पुणी थे गली आज आई एंटर्ड आई सॉ हर सिटिंग एट द सेम टेबल आज बिफोर मु जेतेबेले सेठी से भीतर को गली मु कौन देखिली आ मु देखिली से समान टेबल रे से पूर्व भले बसि सी वाज इटिंग से कौन कौटा ना खाऊला सी वाज इटिंग कल कौन से खाऊला आमर पास्ट प्रोग्रेसिव वाज इटिंग तो आई वेंट अप टू हर एंड टुक द चेयर अपोजिट हर्स तो मुखु गली सी देख गोटे टेबुल अच्छी मनकर यहाँ गोटे टेबुल हाँ तो ये जन बसले एपटे जी जन बस तो सही रईटर कहते मु तार विपरीत विपरीत चेयर नहीं कि बस
I wished her a good afternoon and then by making one brief remark after another. तो मु ताकु काकु खिजु झिटिउ कोन कलि ना शुभ अपराह्न विश कलि एंड देन बाय मेकिंग वन ब्रीफ रिमार्क आफ्टर अनदर हम तापर कोन कलि ना गोटे संक्षिप्त मंतव्य परे आउ एक माने संक्षिप्त मत देली आई वाज एबल टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन तो तापर कोन मु ता सहित कथाबार्ता करिवारे समर्थ हेली तो एमती आम जन अजणा लोक सहित जाइना कथा ही पड़ी ना तो से फास्ट ना गुड आफ्टरनून विश कले एमती संक्षिप्त मंतव्य देपर जा कन्वर्सेसन से आरंभ कर पारे बाकर कथबार्ता कथोपकथन कन्वर्सेसन कहले कथबार्ता कथोपकथन देख कन्वर्सेसन कहले कौन कथोपकथन कथबार्ता तुम्हें कहीपर है तो आट लास्ट सी आस्क्ड सर्वशेष से पचारा आर यू आन इंडियन तुम्हें जड़े भारतीय कि नेक्स्ट कौन अच्छी माइ ब्रदर इज इन इंडिया हि इज ए सोल्जर मो भाई भारत रे अच्छी से जड़े सैनिक अटे तो वी हाव नॉट हैड ए लेटर फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम आमे ता पाखरु चिट्ठी बहुत समय हलाने पाई परी ना माय मदर इज वेरी ओरिड ओरिड कहले कौन चिंतित हवा ब्रत हवा यहाँ ओरिड तो मो माँ से बहुत चिंतित सी इज अफ्रेड समथिंग हाज हैपेंड टू हिम से बहुत कौन भयभीत कि भाई सहित किसी घटी जाए ना तो ये भाविकी ता माँ कौन कि भयभीत हो I learned that her only guardian was her brother. तो राइटर एडे कौन जो मुझे जानवाक पाइले तार एकमात्र गार्डियन हो किए हा भाई सी लाइव्ड विथ हर हॉट ओल्ड विडोड मदर मिसेस बेथी अच्छा विडोड कहले कौन ना जो कि जान विडोड कहले विडोड कहले कौन ए वुमन हैविंग नो हस्बैंड कौन ए वुमन हैविंग नो हस्बैंड तो जन स्त्री लोक जार कि हस्बैंड न था जो देश को जाते स्वामी कहते विडोड ओडिया कहले कौन विधवा देख नेक्स्ट She lived with her old widowed mother, Mrs. Bethy. तो सी जो झीटी तार वृद्ध विधवा माँ मिसेस बेथिंग सहित रहूला आई अंडरस्टुड हाउ सी फेल्ट तो सी किपरि अनुभव कर पार्थटा मुझे बुझी पारी आई थिंक सी वांटेड मी टू सी हर मदर बट सी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मी टू अकंपानी हर होम अच्छा ये देख दीटा वार्ड अच्छी गोटे करेज गोटे वार्ड कौन गोटे वार्ड है करेज आ गए अकंपानी अच्छा करेज कहले कौन ना करेज कहले साहस करेज कहले कौन साहस आकंपानी कहले जोग देवा जोड़ा देख मीनिंग देखे आम आई थिंक सी वांटेड मी टू सी हर मदर ये रईटर कहूँ जे मु भावुचे से चाहूजे मुझे माँ को देखे सहित माँ को देखा करे बट सी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मी टू अकंपानी हर होम किंतु तार से साहस नाला कि कहवाक सहित घर को सहित जोग देवाई तो ये मानने से जो झीओटी चाहूँगी कि जो राइटर सहित सहित जा माँ को देखा करूँ किंतु तार से सत्साहस ना कि से राइटर को कहीपर तो वी फिनिश्ड आवर लंच एंड गॉट अप टुगेदर तो
କାରଣ ସେମାନେ ତ ଏକାବେଳେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ଉଠିଲେ। ଆଜ୍ ୱି ୱାକ୍ଡ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ହର୍ ମେ ଆଇ ନୋ ୟୋର୍ ନେମ୍, ତ ସେମାନେ ତ ଖାଇକି ଉଠିବା ପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରାଇଟର୍ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ନାମ ଜାଣିପାରେ କି? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗି। ତ ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ କହିଲା, ମୋ ନାଁ କ'ଣ, ମ୍ୟାଗି ଅଟେ। ୱି ଚାଟେଡ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ସୁନ୍ ରିଚ୍ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଟେଡ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଚାଟେଡ୍ କହିଲେ କି କହିପାରିବ? ଚାଟେଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଆରେ ଚାଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଟ୍ରୁ ଆସିଛି। ତମେ ସବୁ ମେସେଜ୍ରେ ବି ଚାଟ୍ କର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ମେସେଞ୍ଜର ଏସବୁରେ ଚାଟ୍ କର, ତ ଏଇ ଚାଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ଚାଟ୍, ଚାଟେଡ୍ ଆଉ ଚାଟେଡ୍, ଚାଟ୍, ଚାଟେଡ୍, ଚାଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଚାଟ୍ଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭର୍ବ। ତ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ର ଚାଟେ, ଚାଟ୍ ଅର୍ଥ ଗପିବା, ଚାଟେଡ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଗପିଲା। ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ୱି ଚାଟେଡ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପୁଣି, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି କହିଲେ କ'ଣ, ଆନନ୍ଦରେ। ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି କହିଲେ କ'ଣ, ଆନନ୍ଦରେ ବା ଖୁସିରେ। ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲିର ସିନୋନିମ୍ସ ହେଇପାରିବ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ, ନା ଆମ୍ୟୁଜିଂଲି, କ'ଣ ଆମ୍ୟୁଜିଂଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଗ୍ଲାଡ୍ଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାପିଲି। ଏଇସବୁ ୟାର କ'ଣ ସିନୋନିମ୍ସ। ତ ରାଇଟର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ୱି ସରି ୱି ଚାଟେଡ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ସୁନ୍ ରିଚ୍ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆମେ ଖୁସିରେ ଗପୁଥିଲୁ ଏବଂ ଗପି ଗପି କରି ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ଗପୁଥିଲୁ, ତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କଥା ହେଇ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦିସ୍ ଗେଭ୍ ମି ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଆସ୍କିଂ ହର୍ ହୋୟାର୍ ସି ୱାର୍କ। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ ସୁଯୋଗ, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବି ସେ କେଉଁଠି କାମ କରେ। ରାଇଟର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଝିଅଟି କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି ବା କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ପଚାରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଡୁ ୟୁ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଦିସ୍ ୱେ ଆଇ ଆସ୍କ। ତ ରାଇଟର୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କର କି? ନୋ, ସି ଆନ୍ସର୍ଡ, ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ବ୍ରିଜ୍। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ କିଏ ମ୍ୟାଗି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସେନି। କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସେ ନା, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ପୋଲ ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ୟୁଜୁଆଲି ଆସେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଂ ରିପେୟାର୍ଡ ଆଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସମୟରେ ସେଇଟା କ'ଣ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଛି। ସୁନ୍ ୱି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେୟାର ନେବରହୁଡ଼, ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ୱି ହାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ ନ୍ୟାରୋ ଡୋର୍ ୱେ, ନ୍ୟାରୋ କହିଲେ କ'ଣ ଅଣସାରିଆ, ନ୍ୟାରୋ କହିଲେ କ'ଣ, ନ୍ୟାରୋ କହିଲେ, ନ୍ୟାରୋ କହିଲେ କ'ଣ ଅଣସାରିଆ, ଅଣସାରିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟେ ଅଣସାରିଆ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ୱେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଂ ରିପେୟାର୍ ସରି, ମ୍ୟାଗି ଟୁକ୍ ଏ ଥିନ୍ ଲ୍ୟାଚ୍ କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ପକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଦି ଡୋର୍। ମ୍ୟାଗି କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ବାହାର ଘରର ଗୋଟେ ଚାବି, ଲ୍ୟାଚ୍ କି କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ଲ୍ୟାଚ୍ କି, ଲ୍ୟାଚ୍ କିର ମିନିଙ୍ଗ ହେଲା ବାହାର କବାଟର ଚାବି, କ'ଣ ବାହାର କବାଟର ଚାବି। ତ ସେ କହୁଛି ମ୍ୟାଗି ତା ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଚାବିଟେ ବାହାର କଲା ଏବଂ ବାହାର କବାଟକୁ ଖୋଲିଲା। ସି ଏଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଶିଲା ଏବଂ କହିଲା ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଟୁଗେଦର ୱି ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଟୁ ଦି କିଚେନ୍। ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ, ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ କହିଲେ କେମ୍ ଡାଉନ୍, ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ କହିଲେ କେମ୍ ଡାଉନ୍।
तो टुगेदर वी डिसेंडेड दिस स्टेयर्स टू किचन तो ता घरटा एडा थिला जे किचन ता तळकु थिला तो से कोन गले डिसेंडेड कहले हां तळकु आसे तो से जो सीढ़ी दे तळकु ओलेले कोठी ना किचन को जा पई जो सीढ़ी थिला से तळकु ओले के किचन को गले स्टेयर्स कहले तो सीढ़ी तुम जानछो मदर सेड मैगी फ्रॉम द डोरवे मैगी से जो कबाटडो मां बोली डाकला एमती भी नॉर्मली पिला तुम जाइ समस्त हम घर को पहुंचला को माने माँ बोली डाकती तो सी भाई मैगी कौन कहला ना माँ बोली डाकला एंड इंडियन जेंटलमैन हाज कम टू सी यू कौन कहला ना जो भारतीय भद्र व्यक्ति तुमको देखा आसी व्वेयर इज ही दि ओल्ड मैन आस्क्ड ईगरली तो से जो ओल्ड मैन किए मिसेस बेथी से पूरा आग्रह सहित कहीं कौटी अच्छा से बोली पचार उथ ए स्माइल आई स्टेप्ड इन टू द किचन बिहाइंड मैगी गोटे स्माइल कहले कौन स्मित हसी लाभ कहले कौन जो जोर हसीटा है ला स्माइल कहले स्मित हास तो गोटे स्मित हास सहित मु मैगी पछे पछे किचन रे प्रवेश कलिबा किचन भितर को गली सी इंट्रोड्यूस्ड अस इंट्रोड्यूस कहले कौन परिचय देले तो जो मैगी आम दु जन जाक मैंने क्या क्या मैगी माँ मिसेस बेथी आउ राइटर को उभय परिचय परिचित कराई दे हाउ डू यू डू आई सेड एंड हेल्ड आउट माई हैंड तो आपण केमती अच्छा कहीं मो हाथ को हैंडसेक करने आग को बढ़ेली एक्सक्यूज मी माई हैंड्स आर कवर विथ फ्लोर तो ये मिसेस बेथी कहते मत क्षमा कर मोर हाथ कौन अटारे मो हाथ में बहुत सारा अटा लगे मो हाथ अटारे पूरी अच्छी आई एम मेकिंग केक्स पीपुल विल कम टू बाय देम दिस इवनिंग मु केक् तैयारी करुच्ची लोक मैंने संध्यारे कौन किणवापी आसबे दिस इज द वे वी मेक आवर लाइविंग यही आम आम जीविका जीवन जीविका चलेचु लॉट्स ऑफ ट्रबल बहुत सारा असुविधा ट्रबल कह कौन असुविधा बहुत कष्ट बहुत मान दारिद्र्यता सहित यह आम आम जीवन बचुचु सटरडे नाइट इज ए टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नेबरहुड शनिवार दिन राति आम भाई सब गरीब लोक मान आम आम गरीब पड़ोसी मान गोटे उत्सवर दिन देख ये फेस्टिवल फेस्टिविट वार्ड एक्चुअली फेस्टिवल आसी फेस्टिवल कहले कौन पर्वपर्वाणी से गोटे देख इमेज गोटे दिखाई है यहाँ कौन आमर रथजात्रार इमेज रथजात्रा गोटे आमर ओडार बड़ फेस्टिवल तो सीटा सटरडे नाइट इज ए टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नेबरहुड्स तो शनिवार दिन राति कौन आम जो दरिद्र लोक मानकर पर्वर समय ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर सोल्ड ऑन दिस नाइट विभिन्न प्रकार जिनस सब ये रात बिक्री हुए तो आमर एमती गाँव में होर हो जो भी मेला लगी जात्रा हुए से तुम देख विभिन्न प्रकार जिनस सब विभिन्न द्रव्य सब बिक्री हुए तो से भी सही शनिवार दिन इवनिंग सेटा हुए तो स्ट्रीट्स आर मोर क्राउडेड दैन एनी अदर डे अन्य दिन मानक अपेक्षा गली रास्ता गुड़िक गहली अधिक गहली हुए दिस इज द डे व्वेन दे आर एबुल टू स्पेड ए लिटिल फ्रम देयर विकली वेजेस तो जेहेतु सटरडे पेड आम आगु पढ़ी तो यही दिन ही केवल से मजूरी रोजगार किसी खर्च करें तेणु यही दिन सटरडे दिन कौन पर्वर राति अटे कारण यही दिन से साप्ताहिक मजूरी किसी खर्च करने को समर्थ हो तो ये आम पार्ट वन तो जदि किए कि बुझीपार न तो मत कमेंट सेक्शन में जनइले मुझे निजी को सुधारी पारि मुझे आशा करदी आई को वार्ड मीनिंग दरकार कि सिनोनिम्स दरकार कि एंटोनिम्स दरकार तो मत कहले आलसे चेष्टा करी तो ये आम पार्ट वन टा पार्ट टू पार्ट थ्री आम नेक्स्ट क्लास मानक पढ़ा तो आशा कर भिडियोटी भल लगे तो आपण को जदि भी किसी असुविधा होती आप कमेंट सेक्शन में जनतु आ मुझक निहाती भाव में नेक्स्ट वीडियो आधिक सुधार करने चेस्टा करी धन्यवाद।